ढेर सारे आ गए जैसे आ जाओ। अब हम लोग निकले हैं बक्सर से, थोड़ी सी रेस्ट हो गई, थोड़ी सी ब्रेकफास्ट हो गया, चाय पानी, और अब हम लोग चलते हैं इधर हाईवे पे, थोड़ा सा आगे चल के आधा 1 किलोमीटर बाहर की तरफ हाईवे की तरफ, और वहाँ से सीधा निकलेंगे पटना की ओर। तो बने रहिए और हमारे इस हिचहाइकिंग के सफ़र का आनंद लीजिए और प्यार बरसाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो क्या अभी हमें एक भैया का दिक्कत है, उन्होंने भेज दी है, भैया का नाम विनोद कुमार जी है, ये कहाँ तक जा रहे हैं? पटना राजधानी। तो भैया पटना तक हमें लिफ्ट दे रहे हैं बिना पैसे के, जैसे आप देख पा रहे लिफ्ट लेके, और इन्हें हम थैंक यू बोलते हैं। और अभी वहाँ पास के और इनसे थोड़ी सा बातचीत करते हैं, अभी उनको भी लेट हो रहा था, तो जल्दी पीछे बैठते ट्रक में और फिर वहीं चल के आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू भैया। ठीक है, वेलकम वेरी। तो ये हमारे बॉयज चढ़ रहे हैं ऊपर, चढ़ो चढ़ो जल्दी से। बस बस हो गया शशि। बिल्कुल। तो इस तरीके से ये भैया हमारे सामान चढ़ा रहे हैं ऊपर। तो ओ भाई आराम से आराम से ये लो। तो अभी हम चलते हैं सीधा पटना। तो गाइस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और ये हमारे आदित्य बाबू बैठ रहे हैं। अब यहाँ से आगे का सफर अंडल डेट हमें पटना तक छोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने देखा हमें डायरेक्ट पटना की भी गाड़ी मिल चुकी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिकअप है, और हमने काफी सुना बिहार ऐसा है, मुंडाई गिरी ये है वो है, यहाँ लिफ्ट नहीं देते हैं, लूट मार होता है। अभी तक का मेरा जो ये सफर चल रहा है अभी तक की जर्नी, यूपी बिहार, यूपी से निकल के बिहार में एंटर किया हूँ मैं, तो बिल्कुल भी अच्छा है। और बाकी दोनों से बच्चे आए हैं स्कूल से अभी, और ये इस तरीके का कुछ बेहतरीन सा हाईवे है, बढ़िया 4 लेन, तो मजे से चल रहे हैं हम लोग। मैं कैसे लग रहा हूँ? अरे यार ठीक है, बैठ कर मानी लग रही है। अरे यार सब्सक्राइब कर दो, बिहार में आ चुके हैं। हाँ सब्सक्राइब कर दो, बिहार में आ चुके हैं, नहीं तो कट्टा निकाल के सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही। ये हम है और ये हमारी गाड़ी है, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग पहुँचे हैं 30 किलोमीटर आगे आके हाईवे पे रुके हैं, भैया को कुछ चाय नाश्ता कुछ करना था, तो वो सामने यहाँ पे चाय नाश्ता कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पता नहीं कोई पुल टाइप बनाया है, पानी भरा हुआ है, और यहाँ पे पीछे देख रहे जैसे कि ढाबा हमारा, तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं, बाथरूम गए हैं फ्रेश करके, और जैसे भैया कुछ सबका सामान ले लेते हैं। तो भैया ने सामान ले लिया, वो आ रहे हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो, बैठते हैं बैठ के गाड़ी में। बताइए आप क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे कि जब भी हम इधर से गुजरते हैं जी बक्सर से पटना के ओर, तो बीच रास्ते में बंदर बहुत सारे जंगल में रहता है जी, तो बंदर फिर उसको हम रोकते हैं गाड़ी और खाना देते हैं। बिल्कुल सही बात है कि जैसे अभी हमने गाड़ी स्टॉप कर दिया, वो आना शुरू कर देगा, देख सकते हो भैया अभी उनको बुलाया है, अभी वो सामने आपको दिखेगा हल्का सा, इधर लगाते हैं उसको। हाँ ठीक है, उधर पास में लगा दीजिए, बहुत सारा आ जाएगा। चलिए अच्छा, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सही बात है, क्योंकि यहाँ पे अब खाने के लिए कुछ बचा नहीं है, जैसे कि आप अंदर देख पा रहे होंगे वहाँ बंदर बैठे होंगे कुछ कुछ, अभी धीरे धीरे पास आएंगे। आ जाओ आ जाओ, वो आ रहे हैं देख सकते हो। नहीं अंदर जो आ रहा है भाई उसको बुला रहा है, मैं नीचे उतर के इधर से कर लेता हूँ। अच्छा ऐसा भी है कि काटने भी लगते हैं क्या? देखिए देखते जाइए गाइस, अब ढेर सारे बंदर आने वाले हैं। जैसा देख पा रहे हैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे अपने अपने इकट्ठे करके लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे
ढेर सारे बंदर आते हुए। ये इनकी ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये लोग ऐसा करते हैं, इनके लिए खाने का जुगाड़ कर रहे हैं। ये देख सकते हैं सामने ये बिस्किट चुन रहे हैं, यहाँ पे ढेर सारे आ गए। जैसे आ जा वहाँ से देख सकते हैं पूरी बहुत आ रही है। बिहिया गांव, और कुछ बिहिया गांव का नज़ारा देख सकते हो और इधर से भी देख सकते हो। अभी हमें पटना पहुंचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे और लगेंगे, और बीच बीच रास्ते में हम आपसे बात करते हुए चलेंगे। और ये जो टाइम वगैरह निकालने के लिए सामने देख पा रहे हो, ये है हमारे पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे, ये देख सकते हो। ये अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ ये पुलिस लाइन है पूरा, यहाँ से यहाँ देख सकते हो ये है, ये सब हमारे पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है। हम लोग पहुँचे आरा जिला जो कि भोजपुर बिहार में पहुँच चुके हैं, और अब यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे, और जैसे जैसे पहुँच रहे हैं हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए इस वीडियो में और जय विजय टू का और हमारे सफर का। रेलवे स्टेशन सामने की जैसा कि आप देख पा रहे हैं आरा जिला का, और ये इसके आसपास का एरिया, ये है सामने आरा जिला का मार्केट, इसके आसपास सब्जी की दुकानें लगी हुई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये कुछ फ्रूट वगैरह सब ठेले लगा रखे हैं। ये देख सकते हैं आप इंडिया का जुगाड़ सामने, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है लहसुन से भरा हुआ ट्रक, जिसकी स्मेल यहाँ तक गाड़ी तक आ रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके साथ ही स्मेल भी बहुत ही साथ साथ चल रही है। तो फाइनल गाइस हम लोग थोड़ा सा अभी 45 किलोमीटर और आगे चलना है, फिलहाल हमने थोड़ा सा नैप लिया है तो यहाँ पे रुके हैं कहीं एक जगह पे, और हाथ मुँह धुला है, थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं अभी, और आगे निकलेंगे थोड़ी देर बाद। जैसे कि हमने बताया था अभी नैप लिया था, तो हमने बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, बिहार और यूपी दोनों का फेमस लिट्टी चोखा ऑर्डर किया है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम टेस्ट करते हैं, ये भैया है ड्राइवर साहब जिन्होंने हमें लिफ्ट दी थी, और ये हमारे धीरू भाई, और ये इन्होंने कुछ ऑर्डर किया है कचौड़ी, और जल्दी से हम टेस्ट करते हैं फिर आपको वीडियो के थ्रू बताएंगे कि कैसा है टेस्ट। तो फाइनल गाइस हमने लिट्टी चोखा टेस्ट किया था, बहुत ही अच्छा था। धीरू भाई से पूछते कैसा लगा धीरू भाई? बहुत ही बढ़िया। और एक और मैं बात बता दूँ कि जब भूख लगता है तो सब कुछ अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही बात है। और अभी फिलहाल चाय टेस्ट करते हैं यहाँ पे इनसे, और चाय का आनंद लेते हैं। कैसे दिए भैया चाय? एक तीन 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 उनसे पूछ लीजिए, एक बार फिलहाल तीन दीजिए, एक बार तीन चाय गर्म कर लीजिए बढ़िया से। तो अभी फिलहाल हम लोग लिट्टी चोखा, लिटरली यहाँ का जो ट्रेडिशनल फूड है वो अच्छा है, आप टेस्ट कर सकते हो। और ये है जहाँ पे हम रुके हैं अभी, वो हमारी इधर गाड़ी खड़ी है, अभी चाय पीते फाइनल और फिर चाय का टेस्ट बताते हैं और उसके बाद सीधा आगे निकलेंगे। तो धीरू भाई जैसा कह रहे हैं फिर मौज करेंगे पटना में, एक आध दो दिन रुकना है हम लोग को, पूरा फुल ट्रेवल करना पटना है तो वहाँ जाके क्यों पटना, यहीं पट लो पटना नहीं है, मैं बता रहा हूँ पटना जो राज्य है वहाँ पे जाके घूमना है। हाँ पटना राज्य में जाएंगे, ये मत सोचना ये पटना नहीं जा रहे नहीं, नहीं। मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, हम सब लोग जाएंगे वहाँ पे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे पटना को, घूमेंगे। तो आप लोग ऐसे ही पूरा ब्लॉग पे बने रहें और नेक्स्ट वीडियो का भी इंतजार करिएगा कि जल्दी आए और जल्दी मिले, ठीक है? और तब तक के लिए चाय का आनंद लीजिए। गन्ना ही बनेंगे चाय, तो ये हमारी चाय आती हुई एकदम बढ़िया गर्मा गर्म, टेस्ट करते फिर बताते आपको। तो चाय देख रहे हो, चाय के आनंद लेते हुए। धीरू भाई चाय कैसी लगी? का तीसरा चाय। ये ऐसे आदमी जो पहले बोलते हम चाय नहीं पियेंगे, दूसरे को टेस्ट करवा के जैसे अच्छी लगी तो फिर बोले हम भी पियेंगे। टेस्ट कराने से ऐसा फायदा हो जाता है कि वो चीज बच भी जाते हैं, पैसा मान लीजिए हम भी गलत मिले भैया भी गलत मिले, क्या मतलब है? ऐसे ये टेस्ट कर लेंगे सही, आप भी पहले टेस्ट कीजिए करें, ये गलत बात है। चलिए चाय काफी अच्छी है और आप चाय पी सकते हो यहाँ पे आके, जैसा कि मैंने इस रेस्टोरेंट का नाम बताया। और चाय उतना नहीं घर पे
मैं भी चाय तो नहीं पीता हूँ, लेकिन यहाँ पे चाय का टेस्ट यूपी में काफ़ी अच्छा लगा हमें, यूपी का सॉरी बिहार में आके, यूपी बिहार दोनों में ही यहाँ पे चाय काफ़ी अच्छी बनाते हैं लोग। तो आप आइए और ट्राई कीजिए चाय एक बार। चाय वगैरह का सब कुछ, लिट्टी चोखा वगैरह सब बढ़िया थे। अब हम लोग गाड़ी में आ चुके हैं वापस, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं सीधा निकल रहे हैं आगे की और पटना की ओर। यहाँ लगभग 6:15 पहुँचे पहुँचे, तो भैया को भी काफ़ी लेट हो रहा है, तो जल्दी से चलते हैं सीधा पटना। सामने आप ये पुल देख रहे हो, ये ऊपर के जमाना का है, ये ऊपर ट्रेन चलती है और नीचे गाड़ी बस वगैरह जो भी है सब चलता है। और सामने आप देख सकते हैं कुछ पुरानी टाइप की बोट भी पड़ी है यहाँ पे, और ये अंग्रेजों के ज़माने का पुल है और आज भी ऐसे ही काम कर रहा है। ये नदी कौन सी है सर? सोन नदी। हाँ, तो भाई ये है सोन नदी, उसके ऊपर ये नाम बना हुआ है जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा है। जगह का नाम है कोइलवर। जगह का नाम क्या है? कोइलवर। ये जगह का नाम कोइलवर है जहाँ पे ये नदी जाती है और ये ब्रिज है। इस तरफ हो गया आरा जिला, उधर हो गया पटना जिला। तो इस ब्रिज के दोनों तरफ देख से, जैसे कि भैया ने बताया, एक साइड पीछे एक साइड आरा है और सामने पटना जिला है। और ये देख सकते हो सोन नदी का व्यू, तो नीचे जैसे कि सामने लाल बालू निकलता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ लोग खुदाई भी कर रहे हैं सामने, कि यहाँ से खनन हो के अवैध रूप से खनन किया जाता है, यहाँ से बालू निकाली जाती है और भूमाफिया जो भूस्खलन भूमाफिया होता है तो यहाँ से मिट्टी निकालता है और बेचता है। तो ये है कुछ मेन जो अभी ब्रिज बना हुआ हमारे करंट टाइम का। जैसे कि मैं अभी बिहार में एंटर हुआ हूँ, कुछ देर पहले ही, तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्कॉर्पियो गाड़ी देखने को मिली है। बिल्कुल हर 2 से 3 मिनट भी एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी आपको देखने को मिलेगी, और ऐसा लगता है कि भारत की जितनी भी स्कॉर्पियो गाड़ी है सारी की सारी यहाँ पे बिहार में देख के बिहार वाले ही खरीदते हैं, क्योंकि ये तो हाई फ्लोर गाड़ी है, थोड़ी सी फ्लोर ऊपर रहता है, यहाँ पे लोग इसमें अपना जो भी धाम की बोरी होगी 10 कम से कम इसमें 8-10 लोग आ जाते हैं। इस वजह से भैया ने बताया कि यहाँ पे स्कॉर्पियो गाड़ी सबसे ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पर आपको हर 5 मिनट में नई स्कॉर्पियो गाड़ी देखने को मिलेगी। ट्रैफिक देख सकते हो गाइस, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगा हुआ है। पिछले 2 घंटे से इसी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, जबकि हम यहाँ से लगभग 7-10-12 किलोमीटर ही है, लेकिन फिर भी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर टोटल था, जिसमें से भी 8-10 किलोमीटर चले हैं सिर्फ 1 घंटे में, अगले 8-10 किलोमीटर चलेंगे 1 घंटे में, तो टोटल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करने में ही लग गया। पटना साहिब पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोगों देख सकते हो ये गुरुद्वारे का साइन है, इधर जाके हमारा 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाके है पटना साहिब का। अब ये ड्राइवर भाई साहब है, इनसे थैंक यू बोलना चाहते हैं। थैंक यू भैया, आपने हमें इतनी हेल्प की, एकदम एग्जैक्ट पास में ला के छोड़ा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलते ठीक है भाई, गुरुद्वारे पहुँच गए, बाकी आगे की बातें चालू करेंगे। क्रिकेट प्रतियोगिता चल रही है यहाँ पे,